शहर की सड़कों पर एक ही मंजर, गाड़ियां बंपर टू बंपर, आजादी चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक। शाहदरा जाने वाली ट्रैफिक पर भी ट्रैफिक सुस्तरवी का शिकार। नफरी बढ़ाओ, चौकियां खत्म कराओ, लाहौर में कायम 20 पुलिस चौकियां खत्म कराने का फैसला। इजाफी चौकियां खत्म करके नफरी मुतल्लिका थाने में मुंतकिल की जाए, डिविजनल एसपी से राय तलब। फ्लाइंग क्लब लाइसेंस के लिए मंजूर शुदा सरमाया की शर्त खत्म, लाइसेंस के लिए जनरल रिजर्व का 50% होना लाजिम करार, सिविल एविएशन और फ्लाइंग क्लब एसोसिएशन के इजलास में फैसला। 50 लाख घरों की तामीर, टास्क फोर्स का इजलास कल तलब, इजलास में रेनाला खुर्द, लोधरा और चिश्तियां के मंसूबों में पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। एक और बड़ी सियासी गिरफ्तारी, सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। नैब ने आमदन से जायद असासों और ऑफशोर कंपनी स्कैंडल में अलीम खान को तलब किया, 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। तिब्बी मुआयने के बाद हवालात में मुंतकिल, उसी बैरक में कैद जहां शहबाज शरीफ रहे। मुकदमात का सामना करूंगा, अदालत से इंसाफ की उम्मीद है, अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। जहां गिरफ्तारी वहीं इस्तीफा, अब्दुल अलीम खान ने नैब में सादा कागज पर अपने हाथ से वजीर आला के नाम इस्तीफा लिखा। मुझे नैब ने गिरफ्तार कर लिया, इखलाकी तौर पर सीनियर वजीर का ओहदा रखने का अहल नहीं रहा, फौरी तौर पर मेरा इस्तीफा कबूल किया जाए, अब्दुल अलीम खान के इस्तीफे का मतन। अलीम खान के खिलाफ नैब की चार्जशीट भी जारी, मुलजिम ने 900 कनाल की जमीन अपनी कंपनी MSANKA के नाम पर हासिल की। 2005 और 2006 में मुतहदा अरब इमारात और यूके में ऑफशोर कंपनियां बनाई। डीजी नैब लाहौर कहते हैं, नैब में पसंद नापसंद का कोई कानून नहीं। शवाहिद के हवाले से नैब को मुतमईन ना करने पर अलीम खान को गिरफ्तार किया गया। करप्ट अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी, तमाम मेगा करप्शन मुकदमात की मेरिट पर तहकीकात जारी है। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, किसी इदारे पर कोई हुकूमती दबाव नहीं, पीटीआई कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है, अब्दुल अलीम खान का मुस्ताफी होना काबिले तहसीन है। माजी की हुकूमत की तरह गिरफ्तारी पर सियासत नहीं करेंगे, ऐवाने वजीर आला में पंजाब हुकूमत के बड़ों का इजलास में फैसला। अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर तफसीली गौर, गवर्नर और वजीर आला पंजाब की 1-on-1 भी मुलाकात, अलीम खान की फैमिली से केसेस से मुतल्लिक मालूमात लेने का फैसला। अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी की वजूहात नहीं बताई गई, कानून के सामने सब जवाब दे हैं। वकील अलीम खान अजहर सिद्दीक, इदारों के फैसलों को मान लेने में हम सबकी बेहतरी है, उम्मीद है अब्दुल अलीम खान सुरखरू होंगे। रहनुमा पीटीआई जमशेद इकबाल चीमा, अब्दुल अलीम खान से सरदार उस्मान बुजदार के इख्तियारात को खतरा था, सोचा गया क्यों ना अब्दुल अलीम खान को वसीम अकरम पर कुर्बान कर दिया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा, लाहौर न्यूज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में गुफ्तगू। नैब से ये जरूर दरख्वास्त करूंगा कि पिछले 30 सालों में बहुत से लोगों ने इस मुल्क को लूटा है और कड़ा एहतसाब जो है उन तमाम लोगों की तरफ भी इसी विग्रस से होना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने आज किया है। अलीम खान को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे, नैब 30 साल से मुल्क को लूटने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करे। अलीम खान को जब भी बुलाया वो नैब में पेश हुए, उम्मीद है इंसाफ होगा, अलीम खान वापस आएंगे। गवर्नर पंजाब का अलीम खान की गिरफ्तारी पर रद्द अमल।
नू लीग के कैंप में अलीम खान की गिरफ्तारी पर खुशी का समा। लीगी कारकुनों ने सर्विसेज अस्पताल के बाहर कायम कैंप में एक दूसरे को मिठाई खिलाई। नवाज शरीफ की बीमारी, सेहत और इलाज का मामला। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल ही में रहेंगे। पीआईसी के डॉक्टर्स सर्विसेज अस्पताल में मुआयना करेंगे। तर्जुमान वजीर आला शहबाज गिल का बयान, कहते हैं शरीफ फैमिली इस इशू पर सियासत ना करे, जेल भेजा जाए। नवाज शरीफ का इसरार, नवाज शरीफ का कार्डियक टेस्ट होना बाकी है। प्रिंसिपल सिम्स महमूद अयाज। नवाज शरीफ के पैथोलॉजी के टेस्टों की रिपोर्ट लाहौर न्यूज को मौसूल। नवाज शरीफ की फास्टिंग, शोग्राही, सीरियम क्रेनाइट भी मामूल से ज्यादा, कोलेस्ट्रोल और एचडीएल का तनासुब भी ज्यादा, रिपोर्ट में इंकशाफ। मरियम नवाज की सर्विसेज अस्पताल आमद, वालिद की अयादत, घर का बना हुआ खाना भी साथ लाई। किसी एनआरओ के हक में नहीं है, अगर कोई कैदी बीमार है तो इलाज की सहूलियात इसका हक है। मौशी महाज पर नून लीग ने हमारे लिए बावर्दी सुरंगें छोड़ी। टैक्स के मामले पर अलीमा खान से कोई रियायत नहीं होगी। खौफ की बुनियाद पर टैक्स इकट्ठा नहीं हो सकता, एतमाद जरूरी है। वजीर ममलिकत हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। आशियाना और रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत की समाअत। नैब ने शहबाज शरीफ की दरखास्त की मुखालिफत कर दी। कार्रवाई 11 फरवरी तक मुलतवी। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है कि नैब को गिरफ्तारी और तफ्तीश में बेलगाम इख्तियारात हैं। शहबाज शरीफ की तरह अलीम खान की भी वजूहात बताए बगैर गिरफ्तारी हुई। समीउल्लाह खान ने गिरफ्तारी को बैलेंसिंग एक्ट करार दे दिया। अलीम खान की गिरफ्तार। एलडीए सिटी में हुकूमती खजाने को 4,17,00,000 का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। एंटी करप्शन ने साबिक इंजीनियर इसरार सईद को गिरफ्तार कर लिया। आलम खान नामी ठेकेदार की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें तश्कील दे दी। महकमा एंटी करप्शन। खवातीन जजेस अदलिया का अहम हिस्सा है। खवातीन को दरपेश मुश्किलात से कौन वाकिफ नहीं। चैलेंजेस के बावजूद खवातीन अपना नुमाया मकाम पैदा करने में कामयाब हुई। बतौर खातून जज कमरा अदालत में मौजूदगी माशरे के लिए एक पैगाम है। पंजाब जुडिशल एकेडमी में खवातीन जुडिशल ऑफिसर्स की कारकर्दगी पर सिंपोजियम। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान का खिताब। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए सुपर तैयारी करने का आजम। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की जेर सदारत अहम इजलास। ESL 4 के इंतजामात और सिक्योरिटी अमूर का जायजा। वजीर आला पंजाब का कहना है कि खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ESL से पाकिस्तान का दुनिया भर में सॉफ्ट इमेज उजागर होगा। चेयरमैन PCB ने गवर्निंग बॉडी का इजलास भी कल तलब कर लिया। कानून के तलबा इंसाफ के मुतलाशी। लॉ कॉलेजेस में एंट्री टेस्ट के खिलाफ तलबा का एहतजाज। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मैन चौक को ब्लॉक किए रखा। डायरेक्टर HEC ने एंट्री टेस्ट के हवाले से कमेटी कायम कर दी। मुतालिबात की मंजूरी की यकीन दहानी पर तलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया। एहतजाज के बाद ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल की समनाबाद में खुली कचहरी। लोगों के मसाइल सुने, जल्द हल करने की यकीन दहानी। सुंदस फाउंडेशन में मुन्नू भाई की सालगिरह की तकरीब में भी शिरकत। बोले, मुन्नू भाई ने दुखी इंसानियत के लिए काम किया, उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। सालगिरह का केक काटा गया और खुसूसी दुआ भी की गई। साने साहिवाल हुकूमत और लवाहिकीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। JIT की तफ्तीश में शामिल नहीं होंगे मकतूल खलील के लवाहिकीन। साने की शफाफ तहकीकात के लिए एक बार फिर जुडिशल कमीशन का मुतालिबा। मानसून से कबल शहर को डूबने से बचाने की तैयारियां। वासा की डिसिल्टिंग मुहिम 10वें रोज भी जारी रही। सिटी ड्रेन से कूड़ा क्रिकेट निकाला गया। सर्कुलर रोड और भाटी चौक को बरसात में डूबने से बचाया जा सकेगा। सफाई के अमल में भारी मशीनरी और 4 डंपर ट्रक इस्तेमाल हुए।
सब करेंगे लाहौर साफ। LWMC का 29 मार्च को यौम सफाई मनाने का ऐलान। तर्जुमान का कहना है तंग गलियों में खसूसी सफाई ऑपरेशन किया जाएगा। दूध में मिलावट की शिकायत या भटक गई रास्ता। नैब दफ्तर के बाहर भैंसों की यलकार। दरवाजे के बाहर बेफिक्री से मटर गश्त। एक भैंस की अंदर जाने की भी कोशिश, अहलकारों ने दरवाजे से हटाया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम मजीद सर्द हो गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने बादलों के बरसने की पेशगोई कर दी। अपना प्यार दुनिया से लिखा हुआ मेरे चेहरे पे नाम है तेरा। और राहत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म जुनून इश्क का पहला गीत रिलीज कर दिया गया। नगमा अदाकार अदनान खान और माही खान पर फिल्म बंद किया गया।